ज्वाइन करें हमारा चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड ऑन टेलीग्राम चैनल। ये हमारा फ्री चैनल है, इसको आप आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। और पेड चैनल में ऐड होने के लिए आपको सामने नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए हमारे पेड चैनल में ऐड हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मल्टीबैगर वर्ल्ड। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो आज हमने लाइव मार्केट में लाइव कॉल्स लिए हुए हैं, तो वहाँ पर एयरटेल में हमने कुछ प्राइजेज में मिस्टेक कर दिए थे। 538 देना था, 548 यहाँ पर दे दिए, तो सारी प्राइजेस जो है वो गलत हो गए थे यहाँ पर, जिस वजह से उसको अवॉइड करने को बोला है। और फिर इन्फोसिस में आप देख सकते हो यहाँ पर 1345 का यहाँ पर हमने बाय का कॉल दिया था और 1360 का यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है। तो इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं किस तरह का ये मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ पर अभी दिए हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है और ये नीचे गिरने के बाद जो हमने दिया था ये काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, करीब यहाँ पर 1341 के आसपास जा चुका था। अब ये रिकवर कर चुका है और करीब 1351 के आसपास ये चल रहा है। थोड़ी देर और वेट करते हैं, देखते हैं टारगेट अचीव होता है या नहीं। वैसे तो इसमें टारगेट अचीव हो ही जाना चाहिए हमारा, थोड़ी देर वेट करके देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने अभी अभी एक और कॉल लिया है HDFC का। तो HDFC में देखें तो पोजिशन काफ़ी अच्छी लग रही है, ज़्यादा कुछ गिरावट आती हुई नज़र नहीं आ सकती है उसमें। तो 2508 से हमने इसको बाय दिया हुआ था, अभी देखते हैं किस प्राइस पर ये चल रहा है और जो हमारा टारगेट है 2530 का, इसको कितना टाइम लग सकता है ये हम यहाँ पर चार्ट पे देख लेते हैं। तो अभी HDFC, अरे वाह, यहाँ रिकवर होना बढ़िया चालू हो गया ये, और यहाँ पर 2513 पर ये आ चुका है, 2510 2513 यहीं आसपास ये चल रहा है। अभी 2508 पर हमने इसको लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो ग्राफ के मुताबिक ज़्यादा बड़ी गिरावट आनी थोड़ी सी मुश्किल है। रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, रिकवरी आती है तो हमारा जो टारगेट है 2530 का वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना होगा। और जो इन्फोसिस हमने दिया हुआ था इसमें भी हम देख लेते हैं, ये भी उसी प्राइस के आसपास चल रहा है जहाँ पर मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसमें भी हम वेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि स्टॉक के मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल रहे, कंसोलिडेट रहे, जिस वजह से यहाँ पर देखिए तो 1:45 के आसपास यहाँ पर हमारा टारगेट जो है वो इन्फोसिस में अचीव हो चुका है। 1361 का हाई इसने बना दिया है, काफ़ी ज़्यादा एकदम से तेज़ी आई और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव कर गया। HDFC की बात करें तो यहाँ पर ये नीचे अभी अटका हुआ था, वापस ऊपर रिकवर कर रहा है और कॉस्ट प्राइस के ही आसपास ये वापस आ चुका है। तो गाइज और वेट करने की जगह यहाँ पर हमने HDFC को कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करवा दिया है और ज़्यादा हम इसमें वेट नहीं कर पाएंगे। तो गाइज अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।